जन्नत ओपन योर आई, आगे खुद जन्नत आ जन्नत। ये तो सांप के दांत के निशान है। जन्नत 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 ओपन योर आईज जन्नत ओपन योर आईज जन्नत जन्नत आगे खोलो। प्लीज तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते जन्नत। प्लीज ओपन योर आईज जन्नत। तुम मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हो काली। मैं जानता हूं कि हमारे बीच जो भी रिश्ता था वो झूठा था, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत सच्ची। I love you जन्नत। I love you। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा कोई नहीं, तुम मेरी जन्नत हो। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया। जिसके पास इतनी मोहब्बत करने वाला हस्बैंड हो, उससे मुस्कुराहट ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। जिंदगी का पता दोबारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। गमजदा दिल ये था गमजदा, बिन तेरे दिल ये था। जन्नत ये मोहब्बत के परिंदे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए?
पकड़ पकड़ बॉम्बे बोर्ड। जी सर, आप होल्ड कीजिए, हम पाकिस्तानी बीएसएफ से डिटेल्स चेक कर रहे हैं। प्लीज जरा जल्दी कीजिए। जी सर, थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ मैम, बस ये लास्ट डॉक्यूमेंट ही है। ये यहाँ पर कुछ चेक्स पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए होंगे। आहिल जी जो देखने गए थे वो उन्होंने देख लिया? शायद वो अपने कैबिन में किसी से फोन पर बात कर रहे थे। नवाब बेगम, एक मिनट और। ये देखिए, ये पता है। हेलो, हाँ प्लीज हरी आप। जी सर, बस पाकिस्तानी बीएसएफ इंफॉर्मेशन कंफर्म करने ही वाली है। यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम लोगों को खबर भी नहीं हुई। तुम लोगों को लोगों की हिफाजत के लिए रखा गया है या ड्यूटी पर सोने के लिए? जन्नत के साथ ये सब शशि कपूर ने ही किया है। जन्नत को बीच में लाके तुमने अपने मौत के परवाने पे दस्तखत की है। शशि कपूर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सलाम जनाब, जिस लड़की का केस आपने हमें दिया था वो अभी भी पेंडिंग है। अब आप हमें बताएं कि हमारे लिए क्या ऑर्डर है, क्या उस केस को परसू किया जाए? सर, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को लेके जाना होगा। इस केस को बंद कर दो। जी जनाब। माफ करें जनाब, लेकिन ऐसी कोई इंक्वायरी हमारे पास नहीं आई। जी शुक्रिया। सॉरी सर, ऐसी कोई शिनाख्त पाकिस्तान में नहीं हुई है। शायद उस हादसे में उनकी जान चली गई हो। नहीं, आप किसी से बात कर रहे थे? बताइए ना, किससे बात कर रहे थे आप? आहिल जी, किससे बात कर रहे थे आप? आहिल जी, आप क्या कर रहे हैं? तुमने मेरी सनम की जान ली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I'm not gonna leave you now. क्यों? इतनी हैरान क्यों? इसलिए कि तुम्हारी वो स्टुपिड दवा मुझ पर काम नहीं की। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी वो दवा से मैं तुम्हारा दीवाना बन जाऊंगा? नो, मोहब्बत दवा से नहीं, दिल से होती है। और तुम जैसे शैतान को मेरी क्या, किसी की भी मोहब्बत नसीब नहीं होगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सच में मुझे मारना चाहती? चलाइए गोली, चलाइए। क्या गोली चलाइए?
मेरे साथ साथ हमारा बच्चा भी मर जाएगा। अब क्या हुआ? गोली नहीं चलाएंगे? चलाइए गोली, गोली चलाइए, मैं देखना चाहती हूँ। चलाइए गोली आहिल जी, आहिल जी मैं कह रही हूँ गोली चलाइए। नवा बेगम, नवा बेगम उठिए। मुझे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। जब मेरे शौहर कोई मेरी परवाह नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगी? इनका खून बहुत निकल रहा है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस बुलाओ कोई, एम्बुलेंस। देखिए मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, बस थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। लेकिन लेकिन क्या? वहां जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह से इनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। हो सकता है किसी भी तरह का स्ट्रेस इनके दिमाग पर जोर डाले और ये कोलैप्स भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें हेलुसिनेशंस होने लगें। इसका मतलब ये है कि जो हकीकत में है नहीं उसे वो तसव्वुर करने लगें। और चांसेस ये भी हैं कि ये सब कुछ भूल जाएं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। समझ में नहीं आ रहा कि जन्नत उस तहखाने में बंद कैसे हो गई। लेकिन मुझे समझ में आ गया, ये सब उस शशि कपूर ने ही किया है। किसी एक चीज का फितूर दिमाग पर सवार हो जाए ना तो हर चीज में वही नजर आता है। तुम हर बात पे शशि कपूर पे कैसे शक कर सकते हो? अबू ना तो ये मेरा शक है ना ही मेरा फितूर। शशि कपूर को मैंने अपनी आंखों से देखा। उसी ने धक्का मारा था मुझे ढलान से, और क्योंकि जन्नत मुझे ढूंढ रही थी उसी ने उसको तहखाने में बंद किया ताकि वो मुझ तक नहीं पहुंच सके। आप ठीक है ना?
किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। अल्लाह जाने कि मेरी समझ पर कौन से पत्थर पड़े थे जो मैंने बिना हुलिया बदले जन्नत को वहां तहखाने में भेज दिया। अब अगर जन्नत ने शाद को सब कुछ बता दिया ना, तो सारी चीजें आपस में मिलाकर शाद को ये जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो मैं थी। लेकिन जन्नत अब उस तहखाने में बंद कैसे होगी? आपको शशि कपूर ने वहां पे भेजा था शाद? हाँ याद आया, वो तो तहखाने की तरफ गए। शाद, अब वो इन्हें शशि कपूर ने वहां नहीं, मैंने भेजा था। वो ये आपको ढूंढ रही थी ना, तो मुझे लगा कि आप तहखाने की तरफ गए हैं, तो बस इसीलिए मैंने भी इन्हें वहां भेज दिया। मिसबाह, ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मैं वहां पे था? अरे मैं तो आपको ढूंढने आ रहा था। एक मिनट, जब मैं आपको ढूंढने आ रहा था तो आपका दुपट्टा और आपकी किताब मुझे उसी ऊंची ढलान पर मिली। वहां तक कैसे पहुंची हो? एक झूठ को बचाने के चक्कर में इंसान 100 झूठ बोल देता है और आखिर में किसी ना किसी में आकर फंस ही जाता है। अब क्या करूं? डॉक्टर साहब, कैसे भी करके उसको बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज। एक्सक्यूज मी आयल जी, आपने अपनी बीवी को गोली क्यों मारी? गोली मैंने नहीं चलाई है। किसी मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाकर आप इतनी आसानी से मुकर कैसे सकते हैं? नवाब साहब, गोली खामोश क्यों है? आपको लगता है कि आप इससे बच जाएंगे? नवाब साहब, गोली आप क्यों नहीं देते? आप अगर हॉस्पिटल में है, वी इंडोर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कोई जगह नहीं सवाल पूछने। जवाब तो आपको देने ही होंगे। आप लोग अपने सवाल बाद में पूछ लेना, पहले हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। आपको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। आइए नवाब साहब। शायद वहां पे हवा बहुत चल रही थी तो हवा से उड़ के होगा दुपट्टा, मुझे तो पता ही नहीं चला। मिसबा, हवा से दुपट्टा उड़ सकता है लेकिन किताब नहीं। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? एक सेकंड रुकिए। अम्मी, आप इन्हें बताइए, बोलिए ना कुछ। आप देखिए ना, मुझ पे शक कर रहे हैं, आप कुछ बोलिए। शायद मिसबा को बचपन से जानते हो ना, वो अपनी पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई रहती है, कहीं भूल गई होगी ना। पप्पो, बचपन में तो वैसी नहीं थी, अब ऐसी बन गई है तो पता नहीं। शायद आप मुझ पे शक कर, मुझ पे? आपको लग रहा है कि इस सब में मेरा हाथ है? क्या कर रहे हो तुम? मैंने ऐसे कहा मिसबा? आपके कहने का मतलब तो वही है ना शायद, अगर अम्मी की तबीयत का सवाल नहीं होता ना, तो मैं इस घर में एक पल के लिए नहीं रहती। आपको मुझ पे शक? अरे आप क्या कर रहे हो तुम? मिसबा, बात सुनो बेटा। आफ्ताब, या अल्लाह, मुझे ये तो याद नहीं कि मैंने अपनी जिंदगी में कितने नौटंकीबाज देखे हैं, इतना तो यकीन से कह सकती हूँ कि मिसबा से बड़ा मैंने कोई नहीं देखा होगा। एक मिनट में कैसे उसने पूरी बात ही पलट दी। अब तो मुझे पता लगाना ही होगा कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अब फिक्र ना करें, इन सारी बातें पे ध्यान अब बिल्कुल ना दे, बस अपना ख्याल रखें। मैं अभी आता हूं, रिलैक्स। वजीरा, गेस व्हाट, मैं शशि कपूर से मिला। नहीं, चेहरा तो नहीं देखा
लेकिन अब वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। यस, जल्द से जल्द मिलो मुझे। खुदा हाफिज़।